please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सीरिया के इदलिब से आतंकी संगठन ISIS ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया। दावा किया है कि दवाई की इस ऑडियो टेप में जिस शख्स की आवाज है वो कोई और नहीं बल्कि इस खूंखार संगठन का सरगना अबू बकर अल बगदादी है, जिसका 55 मिनट का ऑडियो ISIS के मीडिया विंग ने जारी किया। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई कि आवाज बगदादी की है या किसी और की, लेकिन इस ऑडियो क्लिप में रक्का की हार के बाद आतंकवादियों को धैर्य रखने की सलाह दी गई। दावा है कि ऑडियो टेप में बगदादी ने अपने गुर्गों से कहा कि आप सब एकजुट रहें और हिम्मत नहीं हारे, अल्लाह हमारी परीक्षा ले रहा है, हम लोगों का नुकसान अल्लाह की मर्जी है, एक शहर में हार कोई मायने नहीं रखती। ये टेप तो केवल और केवल साजिश है, क्योंकि अगर वो जिंदा भी है तो किसी प्रकार का कोई भी मिलिटरली रोल अदा नहीं कर सकता। 2015 में हुई एक बमबारी के बाद रेडियो ईरान ने बगदादी की मौत की पुष्टि कर दी थी, जबकि 2017 में रूस की सेना ने ISIS को सीरिया के रक्का से खदेड़ दिया था। इसके करीब एक साल बाद बगदादी के नाम पर कोई ऑडियो टेप सामने आया है। झारखंड के सरायकेला में भीड़ के बीच खड़ा एक पुलिस वाला लोगों को समझाने की कोशिश करने लगा। वहाँ एक आदमी के दूसरे शादी करने पर उसकी पहली पत्नी और बच्चों ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहाँ उस आदमी की दूसरी पत्नी के परिवार वाले भी पहुँच गए और मारपीट शुरू हो गई। दो खेमों में बटी भीड़ हाथापाई पर उतर आई और अंधाधुंध लात घूसे एक दूसरे पर बरसाने लगे। इस बीच नीली शर्ट पहने एक लड़के ने बेल्ट से दूसरे गुट के लोगों पर कई हमले किए, जबकि लाल शर्ट पहने एक आदमी ने भी जमकर घूसे बरसाए। इस बीच हाथ में डंडा लिए एक पुलिस वाला भीड़ को तितर बितर करने की नाकाम कोशिश करता रहा। हंगामा और मारपीट होती देख तमाशबीन लोग भी मौके पर जमा हो गए। इस बीच वहां पुलिस भी मौजूद थी जो बेबस नजर आई। विधवा औरत से शादी करके ले आया है, जिसके कारण उसके पहली पत्नी विरोध कर रही है। करीब आधे घंटे तक बीच सड़क पर मारपीट और हंगामे के बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को शांत करवाया और थाने ले गई। यूपी के नोएडा में एडीएम और रिटायर्ड कर्नल के बीच विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में नोएडा पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कर्नल के घर पहुंची, उनका बयान दर्ज किया। क्राइम ब्रांच के एसपी ने करीब 3 घंटे तक बयान दर्ज किया। इस मामले में एसएचओ और सीओ का दूसरे जिले में तबादला किया गया है और जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। रिटायर्ड कर्नल ने एडीएम समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है और एडीएम की पत्नी को गिरफ्तार करने की मांग की है। चार पांच तरफ से घूम घोर के ये चंद्रा ने मेरे ऊपर अटैक किया, जानलेवा हमला किया, और इनका गनर, इनका नौकर, इनका ड्राइवर जिसका नाम मैं नहीं जानता लेकिन पहचान आज सीसीटीवी में है, उसको उन लोगों ने बुरी तरह से मुझे मारा। कुणाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुणाल, अब जो है मामले में एसएचओ का तबादला किया गया है, शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? देखिए बिल्कुल, जो पूरा मामला था उसमें जो अब धमका फिलहाल अभी नहीं नजर आ रहा है और पूरा जो क्राइम ब्रांच में जो एसपी है क्राइम, वो उसको पूरे को जांच करेंगे और लगभग कल काफी देर तक इस मामले की जानकारी भी ली गई थी। लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरह से पुलिस की लापरवाही सामने आई थी कि पूरे मामले की बिना जाँच किए एक तरफा कार्रवाई कर दी गई और इनको सीधे जेल भेज दिया गया, और जिस तरह जेल भेजा गया हथकड़ी लगा के, 76 साल के पूर्व कर्नल हैं, देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन उसके बाद में जब सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे होते हैं तब जाके पुलिस की नींद टूटी है और तब कार्रवाई के नाम पे अब जो एसएचओ है उसको सीबीसीआईडी में तबादला कर दिया गया है, जो सीओ थे उनको पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ भेज दिया गया है। फिलहाल अभी ये मामला इसलिए नहीं रुक रहा है, इन लोगों की मांग है कि एडीएम और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाए जब तक इन लोग शांत नहीं होंगे। तो नए सिरे से फिर जांच हो रही है, फिर से सारे तथ्य सामने निकाले जाएंगे, सीसीटीवी चेक करे जाएंगे, उसके बाद अब क्या होता है, गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं हो पाती है एडीएम और उसकी पत्नी की, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल कुणाल, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश की वजह से जमीन खिसक गई। जमीन खिसकने से हाईवे पर कई जगह मलबा आ गया और सड़क का कुछ हिस्सा पानी के साथ बह गया, जिसकी वजह से कोटद्वार का संपर्क पौड़ी गढ़वाल से टूट गया। कोटद्वार और दुगड्डा के बीच 3 जगह पर सड़क टूटने से गिरी चट्टान के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हो गए, जिसके बाद लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। लैंड स्लाइडिंग हो रही है, हमें काफी दिक्कत हो रही है, हमें अपना कल ज्वाइनिंग लेटर लेने जाना है जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आसमान से बरसी आफत में सबसे ज्यादा परेशान आसपास के गांव के लोग हुए, वहीं अपने जरूरी काम से वहां बाहर से पहुंचे लोग भी फंस गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि जल्द रास्ता खोल दिया जाएगा।
कोटद्वार दुगड्डा के बीच सड़क टूटी हुई थी और वहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं चंपावत की। चंपावत में एक सड़क पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे सड़क पर मलबा जमा हो गया और रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद कई सड़कों पर मलबा जमा हो गया। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और तेज बहाव के साथ बहने लगा। इस बीच वहां की कई सड़कें धस गई, वहीं बारिश का पानी भी तेज बहाव से नीचे बहने लगा, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई रास्तों को बंद कर दिया और लोगों की वहां से गुजरने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि इस बीच हालात इतने बेकाबू हो गए कि वहां से गुजरने वाले ट्रकों को भी रास्ते में ही रोकना पड़ा। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को सातवें पायदान पर जगह मिली है, जो इस लिस्ट में इकलौती भारतीय खिलाड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु की सालाना कमाई $8.5 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 60 करोड़ रुपए आंकी गई। इनाम के तौर पर सिंधु को सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए मिले, जबकि विज्ञापन और दूसरे करारों से उनको 56 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। महिला खिलाड़ियों की इस लिस्ट में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स करीब 127 करोड़ रुपए की सालाना कमाई के साथ पहले पायदान पर रहीं, जबकि डेनमार्क की टेनिस खिलाड़ी कैरोलाइन वोज़्नियाक्स्का 91 करोड़ की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। तीसरे पायदान पर अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी स्लोन स्टीवंस रहीं, जिन्होंने एक साल में करीब 78 करोड़ रुपए कमाए। गुजरात के अहमदाबाद में गिरी दो इमारतों में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। कल शाम 3 मंजिला इमारत के 2 ब्लॉक अचानक धराशायी हो गए, जिसमें 10 से 12 लोगों की फंसे होने की आशंका है। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन बाकी लोगों की तलाश जारी है। राहत और बचाव के काम में NDRF की 5 टीमों के साथ साथ फायर ब्रिगेड विभाग भी लगा हुआ है और पुलिस और प्रशासन की भी मदद ली जा रही है। अहमदाबाद के ओढ़ा में जो 2 इमारतें यहाँ पर गिरी हैं, उसमें NDRF की टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं और NDRF के सेकंड इन कमांड प्रसाद साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। जानना चाहेंगे क्या कुछ अब तक का अपडेट है। अभी हमारी टीमें रात से थ्रू आउट कंटिन्यूसली काम कर रही है। हमारी 5 टीमें अभी लगी हुई हैं। हमने एक टीम वडोदरा से भी बुलाया कि जरूरत पड़े तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे, और कंटिन्यूसली हमारी टीमें लगी हुई है। और ये जो JCB और क्रेन की सहायता से जो मेजर डेब्रिज है उसको हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी रबल्स है उसको हटा कर बीच बीच में अपने जो है इक्विपमेंट से उसकी मदद से हम विक्टिम को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। जब तक कन्फर्म नहीं होता है कि इसमें कोई विक्टिम और कोई बचा हुआ नहीं है, तब तक ये ऑप्स जारी रहेगा। क्या कुछ जानकारी है सर, अब तक कोई अंदर फंसे हैं चूँकि, और कितने लोगों को बाहर निकाला? अभी बता रहे हैं, जैसा कि बात हुई, अभी 2 लोगों का अभी तक ट्रैप होने का अभी भी अंदेशा लग रहा है, लेकिन अभी वो फाइनली जब तक ऑप्स पूरा नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद में NDRF की टीम के कुछ सदस्य छत के एक बड़े हिस्से को एक मशीन की मदद से उठाने लगे। वहां 3 मंजिल की 2 इमारतों के गिरने से लगभग 10 लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने इलाके के लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया। ग्राउंड प्लस 3 मंजिला ये इमारत थी, ऐसे 2 ब्लॉक थे, वो दोनों धराशायी हो गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए NDRF की टीम को भी वहां राहत और बचाव के काम में लगाया गया और मलबे को हटाया जाने लगा। गुजरात के गृह मंत्री ने दावा किया कि मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। किसी भी हालत में हम जितने भी लोग अंदर हैं उनको बचाने के लिए पूरी मशीनरी लगा रखी है। मलबे में कौन कहां दबा है इसका पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन काफी देर की जद्दोजहद के बाद भी जब फंसे हुए लोगों को नहीं निकाला जा सका तो डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। खोजी कुत्तों के जरिए मलबे में फंसे लोगों को तलाशने की मुहिम शुरू की गई, लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद बचाव के काम में तेजी लाने के लिए मशीनों की मदद भी लेनी पड़ी। हालांकि दावा किया गया कि मलबे में दबे 4 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसको देखते हुए राहत और बचाव के काम में तेजी लाई गई और NDRF की टीम ने मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया, जिसके बाद NDRF की टीम ने मलबे में दबे एक आदमी को बाहर निकाला और उसे घायल हालत में अस्पताल भेज दिया। विक्टिम निकाला गया है, जो कि निकालते वक्त तो अभी उसकी स्थिति अभी लाइव ही थी, बट हॉस्पिटल भेजा गया उसको ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अंदर फंसे हुए लोगों की तादाद के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि शुरुआती जांच में बताया गया कि
सरकारी आवास योजना के तहत दोनों इमारतों को 1999 में गरीबों श्रमजीवी परिवारों के लिए बनाया गया था, लेकिन महज 19 साल बाद ही दोनों इमारतों को नगर निगम के इंजीनियरों ने खस्ताहाल करार दे दिया, जिसके बाद नगर निगम ने इमारतों को खाली करवाने का नोटिस जारी किया। हालांकि कुछ लोगों को जबरदस्ती भी वहां से हटाया गया था। हमारे लोगों ने इनको यहां जो रहने वाले परिवार थे उनको नोटिस दिया, उसके बावजूद भी वो लोग निकल नहीं रहे थे, तो जबरन एक फोर्स का यूज करके उनको इवैक्यूएट कराया गया। लेकिन रक्षाबंधन के दिन दो परिवारों के कुछ लोग वापस अपने फ्लैट में कुछ सामान निकालने पहुंच गए और तभी यह हादसा हो गया, जिसमें दोनों इमारतें भरभराकर गिर गई और मलबे में 10 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। हालांकि सबके बीच मौके पर एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव अभियान में जुटी हुई है और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की भी मदद ली गई, लेकिन इमारत गिरने के बाद छत के स्लैब के बड़े बड़े हिस्सों की वजह से दबे हुए लोगों की तलाश करने में मुश्किल पेश आई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम के कुछ सदस्य एक मशीन की मदद से उन स्लैब को तोड़कर छोटे टुकड़े करने लगे। साथ ही एनडीआरएफ की टीम का एक सदस्य लोहे के डंडे से स्लैब को तोड़ने की कोशिश करता हुआ भी दिखाई दिया। वहीं छत के एक बड़े हिस्से को एक मशीन की मदद से उठाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हिस्सा बड़ा होने की वजह से उसे एहतियातन उठाया नहीं गया और एनडीआरएफ की टीम का एक सदस्य उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो उसे तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया, जिसके बाद एक दूसरी मशीन की मदद से ऐसे बड़े हिस्सों को तोड़ने का काम शुरू किया गया। इस बीच मलबे में कपड़े और किताबों समेत घरों में इस्तेमाल होने वाला काफी सामान भी बिखरा हुआ दिखाई दिया, जिसे एनडीआरएफ के कुछ सदस्य हटाने लगे।